का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था गवर्नर जनरल, सबसे बड़ा कौन था? और गवर्नर जनरल उन दिनों में रहता था कलकत्ता, कहां रहता था? भारत के इस साइड में बैठे हम, भारत के उस साइड में बैठा हुआ था गवर्नर जनरल। तो साहब गवर्नर जनरल से इन लोगों का कॉन्टेक्ट कैसे होगा? ये लोग कोई भाई, राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में दोस्ती कर ली, तो इसका मतलब अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल उसके साथ दोस्ती कर ली। अब राजा गवर्नर जनरल के पास मैसेज कैसे भेजेगा? कलकत्ता मैसेज भेजना हुआ कैसे भेजेगा? तो कहा एक बंदा राजस्थान भेज दो जो इन लोगों से बातचीत वगैरह करता रहेगा और वो अपने पास मैसेज भेजता रहेगा। तो शुरुआत में वो बंदा जिसे अपने राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था, क्या बनाकर भेजा गया था? पॉलिटिकल एजेंट बनाकर, वो था कर्नल जेम्सटोन। तो बंदा कौन था? इसका तू कन्विंस करके आया, तू यार उदयपुर जा और उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी इन सब राजाओं के साथ में बात कर लिया कर तू। तो पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट था वो। कैसा एजेंट था? पॉलिटिक्स की बातें करेगा, राजा से बात करेगा, सारी बातें कैसे होगी? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एजेंट था वो। आ गया अपने उदयपुर, हेडक्वार्टर बना लिया उसने। अब जब वो यहां पर बैठा हुआ था, लगभग 4.5 साल के आसपास रहा था वो। कितने दिन रहा था अपने यहां पे? 1818 के आसपास आया था, 1822 तक अपने यहां पर रहा था। उसको बड़े मजे आए। मैंने जो आपको पहले बात बताई कि भारत में ऐसा कोई बंदा ही नहीं होता जिसको हिस्ट्री में मजे नहीं आते, अपने यहां हर बंदे को थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री आती है। और अब मुझे कई बार तो लगता है कि अपने यहां पे किसी को हिस्ट्री आए नहीं आए, इस हिस्ट्री का ही हटा के बाकी चीज तो आती है। इधर इतना हिस्ट्री में ऐसा ही नहीं आता उसको, हिस्ट्री का आगे वाला पोर्शन सबको आता रहता है, कहानियां सबको आती है। किसी को छोटी आए, किसी को बड़ी आए, किसी को कम आए, किसी को ज्यादा आए, पर कहानियां सबको आती है। अपने वालों ने टोड को कहानियां सुनाने शुरू की, टोड ने किताबें पढ़ने शुरू की जिनमें अपनी कहानियां पढ़नी शुरू की। टोड को मजे आ गए और टोड ने कहा भाई साहब क्या डाकी लोग थे यार, ये भयंकर आदमी थे। अपने यहां लड़ाइयों के वर्णन ऐसे थे कि साहब उधर से कोई सेना आई और सेना के अंदर 6,000 लोग थे, गांव से गायें लूट के लेके जा रहे थे और गांव के मात्र 50 युवकों ने उस 6,000 की सेना का सामना किया और 50 युवक लड़ते लड़ते मरे गए, लेकिन उन्होंने अपने आंखों के सामने गायें ले जाने नहीं दी। उसको लगा मतलब ये सुसाइड बॉम्बर है इधर सारे के सारे, पर दिख नहीं रहा क्या कि 50 आदमी जब 6,000 से लड़ेंगे तो मर जाएंगे, तो क्यों लड़ लिए तुम्हारे वाले ऐसे? अपने वाले किसी ने कहा भाई साहब गौ माता है, गौ माता आंखों के सामने नहीं कटनी चाहिए, देखो उसके लिए तो मर जाए हम, 50 का 5,000 मर जाते। टोड को इन बातों में मजा आया कि कोई अपनी ड्यूटी के प्रति इस कदर दीवाना कैसे हो सकता है कि मौत साक्षात सामने खड़ी हो फिर भी लड़ जाए, केवल इस बात के लिए कि उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी यह है कि काउ जो है, जो गाय जो है, उनको प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए। मुझे और कोई समाचार मिलेगा साहब, केवल 10 लोग एक मंदिर के बाहर खड़े हो गए थे कि मंदिर की मूर्ति तो नहीं तोड़ने देंगे हम। मुझे और अच्छी कहानियां लगी कि यार केवल 8,000 लोगों की एक टीम ने 1,00,000 लोगों से इसलिए लड़ाइयां कर ली थी कि हमारी मातृभूमि पर तुम रक्षा के हमला कैसे कर सकते हो, हमारी मातृभूमि पर तुम अधिकार कैसे कर सकते हो। तो वापस का यार 8,000 लोग पागल थे, सामने दिख रहा कि 1,00,000 लोगों की फौज आई है तो 8,000 सरेंडर कर देते यार, कह देते कि नहीं लड़ेंगे, वो कब्जा कर लेता और क्या हो जाता इससे। अपने वाले ने फिर किसी ने उसको समझाया कि नहीं, हमारे यहां पर हम बचपन से टाबरों को सिखाते हैं कि इला ने देनी आपनी हालर यो हुलरा है, कोई पूत सिखाना है पालना है ना मरण बढ़ाई माए, कि मम्मी अपने बच्चे को पालने में झुलाती हुई कहती कि मर जाना पर जमीन मत देना। उसे कहानियां बहुत अच्छी लगी, उसने एक घोड़ा लिया, उस घोड़े से वो पूरे राजस्थान में घूमा, पूरे राजस्थान की कहानियां इकट्ठी की। मतलब इतना फैन हो गया था कर्नल टोड अपना कि इन 4.5 साल के दौरान वो जब भी अंग्रेजों से मिलता, भाई वो अपना पॉलिटिकल एजेंट था, रिपोर्ट किसको करेगा? गवर्नर जनरल को जाकर रिपोर्ट करेगा, अंग्रेजों को जाकर रिपोर्ट करेगा। वो अंग्रेजों के पास रिपोर्ट करने जाता और अंग्रेज उससे पूछते कि टोड क्या समाचार है उधर राजस्थान के, कैसे लोग हैं वहां पे, कैसे राजा वगैरह हैं, कैसी उनकी सेना है, क्या चीजें हैं, क्या पता लगाया तूने उनके बारे में? वो कहता भाई साहब पूछो मत आप, हो क्या भयंकर लोग है यार, और यार इनके युद्ध वगैरह में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार कितने शक्तिशाली लोग है। और अंग्रेज कहते कि नहीं अपने से ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी हो सकते हैं। उसने कहा अरे गलत फहमियां निकाल कर रखना, ये रंगड़े सारे के सारे अपने जैसे होंगे तो 5-7 को भींच भींच के मार दे, ये तो अपने पास हथियार आ गए नए नए, बाकी सीधी सीधी कुश्ती लड़वाई जाए तो ठोके पकड़ पकड़ के अपने, इनके पास तो अभी तक हथियार नहीं है, अभी तक भाले लेके घूम रहे हैं इधर उधर, ये बंदूकें इनको चलानी सिखा दी जाए तो अपने तो 5 दिन नहीं टिके यहां पे। फाइनली अंग्रेजों को लगने लग गया था कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर अटैक करेगा।
अंग्रेजों को लगता था टोड राजस्थान वालों की तरफ मिल जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ भड़काएगा, इसलिए 1822 में जाके टोड को कहा गया कि तू वापस जा, लंदन वापस जा। तो उसने कहा मैं बुक लिख रहा था, मेरी बुक तो कंप्लीट हुई नहीं। कहा मैं नहीं मतलब बुक वहां पे जाके तेरी कंप्लीट कर लेना, लेकिन यहाँ इंडिया में तेरे को नहीं रहने देंगे, तुझे वापस जाना पड़ेगा। बापड़ा खूब रोया यहाँ पे, अरे कि थोड़े दिन यार ये किताब पूरी हो जाने दो, चला जाऊंगा मैं, नहीं यहाँ पे नहीं रहने देंगे। उसने वहां जाने के बाद में बुक लिखी अपने ऊपर, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किस नाम से बुक लिखी थी? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम करके बुक लिखी थी। क्या बेहतरीन बुक लिखी है, क्या कहानियां लिखता है वो अपने। कई बार जीव करता है कि उस आदमी की तो मूर्तियां लगाई जानी चाहिए। किसी दूसरे के बारे में इतनी प्रशंसाएं करना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। मतलब टोड की किताब जब आप पढ़ते हो तो इतनी तारीफें हैं राजस्थान की, इतनी तारीफें हैं कि कई जगह तो आपको लगता है इतना भी नहीं था जितना तूने लिखा है, इतने शक्तिशाली भी क्या ही रहे होंगे। पर टोड अपनी खूब तारीफें करके गया था, खूब भयंकर तारीफें करके गया था। और किताब का क्या असर पड़ता है वो देखिए आप। टोड ने वो बुक 1829 में पब्लिश की थी। कब पब्लिश करता है वो? 1829 में अपनी बुक पब्लिश करता। फर्स्ट पार्ट 1829 में किया, 1832 के अंदर वो अपना सेकंड पार्ट पब्लिश करता। उसका दो पार्ट पब्लिश किए थे, 1829 में और 1832। उस बुक के दो पार्ट उसने पब्लिश किए। एक बुक उसने और लिखी थी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। कौन सी बुक लिखी थी? पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एक बुक और लिखी थी, वो जब गया था ना तो उदयपुर से बॉम्बे पैदल पैदल गया था, मतलब सड़क मार्ग से घोड़ा लेके इधर से गया था, यहां से उदयपुर से गया था गुजरात, गुजरात से गया था बॉम्बे। ये पूरा उसका जो रूट था, इस रूट के बारे में उसने किताब लिखी। तो बुक का नाम क्या हो गया? पश्चिमी भारत की यात्रा। इस यात्रा में क्या मंदिर आए, कौन लोग मिले, कौन सी जनजातियां, कौन सी फल फूल है, कंदमूल है, उन सब के बारे में लिख के गया। ये बुक उसके मरने के बाद पब्लिश हुई थी, 1839 के आसपास पब्लिश हुई थी। क्या पब्लिश हुई थी? तो एक बुक के दो पार्ट, 1829, 1832। एक बुक और थी, वो कब पब्लिश हुई आपकी? 1839। दूसरे वाली तो केवल वो यात्रा का वर्णन है, पहले वाली किताब में वो अपने इतिहास के बारे में बताता है। ये बुक जब पब्लिश होकर इंडिया आई, तब तक इंडिया वालों को भी नहीं पता था कि राजस्थान का इतिहास इतना उज्जवल है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक कंट्रोल यदि किसी जगह पे था तो वो जगह थी बंगाल। अंग्रेजों का सबसे अधिक कंट्रोल कहीं पर था तो जगह कौन सी थी? क्योंकि सोने की चिड़िया वही था। हम जब कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था, तो कई बार राजस्थान वाला भी कहता है अच्छा अपने, फिर वो मन ही मन सोचता है यार किधर थी अपने चिड़िया इधर ना, मतलब तो अपने नहीं थी भाई वो सोने की चिड़िया। वो जो सोने की चिड़िया थी कौन था वास्तव में? अब बंगाल, अब सबसे अधिक कंट्रोल बंगाल में। क्यों? क्योंकि लूटने की चीज भी कहां मिल सकती है आपको? बंगाल में। तो उन्होंने बंगाल में सबसे अधिक कंट्रोल किया। जो लोग सबसे अधिक पीड़ित होंगे वही तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन कौन करेगा? जिसको दुख है। दुख किसको था? बंगाल वालों को। तो बंगाल वाले अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। पर किसी भी सत्ता से टकराने के लिए आपको हमेशा हीरो आवश्यक होते हैं। जब तक आपके नजरों के सामने हीरो नहीं होंगे तब तक आप किसी सत्ता से टकरा, मतलब साइकोलॉजिकल रहना चाहिए। ये तो क्या, बंदा जब खुद ही सोच लेता है कि यार अंग्रेज इतने शक्तिशाली हैं, इनसे तो कैसे पार पड़ेगी अपनी, अपने तो कमजोर लोग हैं। बंगाली दुख तो पा रहे थे, बंगाली लड़ना भी चाहते थे, लेकिन बंगालियों के अंदर वो भावनाएं नहीं आ पा रही थी, उनको हीरो नहीं मिल पा रहे थे। उनको हमेशा लगता कि हम कमजोर है और ये जो है अंग्रेज है ये क्या है? शक्तिशाली, और इनके खिलाफ लड़े तो पीट दिए जाएंगे, कूट दिए जाएंगे अपने। उन्हीं दिनों बंगाल के अंदर एक बुक पहुंचती है, जेम्स टोड की, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बंगाल पहुंचती है। अच्छा, जहां अंग्रेजों का कब्जा था, एजुकेशन भी वहां पर सबसे पहले आई। जहां अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों ने अंग्रेजी सिखा दी उन लोगों को, तो सबसे पहले भारत में इंग्लिश एजुकेशन भी कहीं पर आई थी, तो कहां पर आई थी? बंगाल। बंगालियों के पास में बुक आई, बंगालियों को अंग्रेजी आती थी, बंगालियों ने वो बुक पढ़ी और बंगालियों ने कहा ये कहां के लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि 5000 आदमी 17000 से लड़ जाए, 1200 लोगों की टीम 8000 से लड़ जाए, कौन लोग है? जैसा भी अपने राजस्थान के लोग थे। और बंगालियों को लगा कि जब राजस्थान के 5000 लोग किसी 70000 के मुगल बादशाह की सेना का सामना कर सकते हैं, राजस्थान के जब 800 लोग कोई एक 10000 की उधर से आती हुई अरबों की सेना का सामना कर सकते हैं, तो हम इतने गए गुजरे भी नहीं हुए कि अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बंगाल लुट खड़ा हुआ था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत यदि कहीं पर हुई थी, कहां हुई थी? इसलिए बंगाल के बारे में तब कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी भारत, बंगाल आज सोच रहा है कि भारत को आजादी दिलवाना, बाकी भारत भी सोचेगा, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि आएगी। मैंने आप कह सकते हो कि अच्छा बंगाल ने सोचा कि मोदी जी नहीं, दीदी आएगी हमारे, तो बाकी भारत कल सोचेगा।
कि मोदी जी नहीं, कोई ना कोई दीदी तो आनी चाहिए हमारे भी यहाँ पर, हो सकता है ऐसा कुछ हो। अब ये लागू होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं, उन दिनों में लागू हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि यूनान के राजा सिकंदर ने, सिकंदर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर, यूनान के राजा सिकंदर ने हमारे भारत के पोरस को हरा दिया था। राजा पोरस का नाम सुना होगा कि राजा पोरस को सिकंदर ने हरा दिया था। उस हार से लेकर प्लासी के युद्ध तक, एक बैटल ऑफ प्लासी का नाम सुना होगा, प्लासी, अंग्रेजों का कब्जा प्लासी के युद्ध के बाद ही हुआ था, जब नवाब सिराजुद्दौला कर्नल क्लाइव, वहां कर्नल क्लाइव के सामने वहां पर हार जाता है, लॉर्ड क्लाइव के सामने हार जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यार राजा पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक भारत का पूरा इतिहास हार से भरा पड़ा है, हमें हारना पड़ा है किसी ना किसी बाहर वाले के सामने। लेकिन इस हार के बीच में जब कभी मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ता हूं, मुझे गुदगुदी होती है, मुझे अच्छा लगता है। इस रेगिस्तान में हरियाली नजर आती है कि कोई तो लोग रहे होंगे जो जीते थे, कोई तो लोग रहे होंगे जिन्होंने सदियों सदियों तक संघर्ष किया होगा, कोई तो लोग रहे होंगे जो इस भारत भूमि के लिए कट मर गए होंगे लेकिन इसकी रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं हटे थे। वो जगह कोई यदि थी तो जगह कौन सी थी, तो टोड की हिस्ट्री यह है। टोड की हिस्ट्री केवल राजस्थान के बारे में बताती नहीं है, टोड की हिस्ट्री भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करवाती है। आई बात समझ में? हम टोड को कहते हैं वो राजस्थान के इतिहास का जनक था। क्या था वो राजस्थान के इतिहास का, लिखो यार उसके बारे में, सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। कॉपी के पहले पन्ने पे टोड नहीं लिखा जाए तो धूड़ है अपने।